हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है पवन खेसारी, ज्योति सिंह व जन सुराज पर बड़ा खुलासा। पवन सिंह के मैनेजर अभिषेक का पहला इंटरव्यू। तो जो पवन सिंह के मैनेजर हैं अभिषेक, उनका ये इंटरव्यू है, तो उनसे रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है जिसमें ये पवन भैया खेसारी ज्योति सिंह के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और उनको लेकर कहा गया था, जबकि ज्योति जी अभी काराकाट में कई जगहों पर दौरा किए हैं, उनके रिलेशन के बारे में कहा गया कि दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहा। फिर इसमें ये तो अफवाह है। देखिए, ठीक है या नहीं है ये हम आप डिसाइड नहीं करेंगे। कुछ लोग एक प्रॉपर प्रोपोगेंडा के तहत पैसे दे के लोगों से कुछ कुछ बुलवाया जा रहा है। उनका नाम भी मैं रिवील करूंगा, बताऊंगा कौन कौन लोग हैं, समय आने पर बताऊंगा। पवन सिंह के और खेसारी यादव के दोनों के रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन अक्सर जो है दोनों के बीच में विवाद की बात आती है। इसमें कितना सच्चाई है, क्योंकि आपसे ज्यादा पवन सिंह को कौन बेहतर? पवन सिंह के बारे में बहुत तेज से चर्चा हुई कि पवन सिंह जन सुराज ज्वाइन करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अभी हमारे साथ हैं देश के जाने माने स्टार और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के मैनेजर अभिषेक जी, और ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है। अभिषेक जी जब से आए हैं पावर स्टार के एक से बढ़कर एक हिट गाने आ रहे हैं, कई फिल्में आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि पवन सिंह की चर्चा कई अलग अलग बिंदुओं पर होती है। तमाम चीज़ों पर आज हम लोगों के जवाब देंगे अभिषेक जी। सबसे पहले अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सूर्य विहार देखने वाले सारे दर्शकों को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। अभिषेक जी, छठ पूजा में पवन सिंह कभी पहले बिहार नहीं आए, इस बार सूर्य नगरी आ रहे हैं, जो छठ के लिए और सूर्य देव के लिए का सबसे बड़ा स्थली है इस देश में, दुनिया में कह ले तो पहली बार आ रहे हैं, क्या कुछ खास मायने हैं इसके? नहीं देखिए, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहे हैं। जब हम लोग बिहार से हैं और आरा, भोजपुर, शाहबाद का रेंज है, तो छठ हमारे लिए आस्था है। मतलब छठ से बिहार की पहचान है, बिहारी जहाँ बाहर रहते हैं फॉरेन में भी छठ से ही उनका आइडेंटिफिकेशन है। कितना भी बड़ा पोस्ट पे जाएं छठ का एक अलग वैल्यू है। और जैसे आपने बोला कि ये पहली बार आ रहे हैं, तो पहली बार हम लोग ऑफिशियली जैसे कह के आ रहे हैं कि हम छठ का निरीक्षण करेंगे, एक सेवा भाव है कि हम लोग छठ के घाट को देखें कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, क्या हमसे अच्छा हो सके, क्योंकि छठ मतलब हमारा इमोशन है। बस एक सेवा भाव से हम लोग आए हैं और इसमें कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है। जो छठ में आए हैं पवन जी, वो सूर्य नगरी भी आ रहे हैं और काराकाट के कई जगहों पर वो दौरा कर रहे हैं। वो डेहरी रोहतास के इलाके में भी, काराकाट में जो पड़ता है उन इलाकों में भी जाने वाले, काराकाट जाने वाले हैं, बीटा जाने वाले हैं, डेहरी में हैं, औरंगाबाद में, नवी नगर में जा रहे हैं। तो काराकाट को और औरंगाबाद को साध रहे हैं पवन जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभिषेक जी का क्या ख्याल है? ये मतलब अब छठ से आस्था भी है देव को और बिहार की छठ को, आप दुनिया भर में प्रचारित भी करना चाहते हैं, क्योंकि पवन सिंह जैसा शख्सियत अगर छठ को लेकर के दौरा करेंगे तो दुनिया में जो है लोग जानेंगे छठ को। तो एक तो उसका ये पहलू है, दूसरा पहलू ये है कि पवन सिंह अभी भी काराकाट और चित्तौड़गढ़ पर नजर है पवन सिंह की, क्या है मतलब किसको किस रूप में देखा जाए? रूप में ऐसा नहीं देखिए, चित्तौड़गढ़ और काराकाट हमारे लिए बिहार पैरिटी बेस पे है, और हमारा जो सूर्य मंदिर है वो बहुत प्राचीनतम मंदिर है, बहुत पुराना, बहुत प्राचीन मंदिर है, और एक इनका एक अलग पहचान है स्पेशल छठ के मौके पे। तो औरंगाबाद जैसे काराघाट में नहीं आता है, फिर भी हमने सूर्य मंदिर को चुना इसलिए कि ये हमारा आस्था है और बहुत लोग सूर्य मंदिर को जानते हैं, और समय के अभाव के चलते हम सोचे कि अगर इस सूर्य मंदिर और औरंगाबाद में आ रहे हैं तो इसके आसपास के इलाके में भी जो भी बड़े बड़े घाट हैं थोड़ा सा अपने से भी देखा जाए कि क्या बेहतर किया जा सके, बस बेहतर करने की इच्छा से हम लोग इधर आए हैं। पवन सिंह के बारे में बहुत तेज से चर्चा हुई कि पवन सिंह जन सुराज ज्वाइन करेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसे चर्चा मीडिया में हुई और ऐसा भी कुछ ऐसा सीन नहीं है कि हम लोग जन सुराज में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं वो, क्योंकि अभी हम लोग आस्था के पर्व में आए हैं तो पॉलिटिकली अभी कोई ऐसा स्टैंड नहीं है हमारा।
दूसरा अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात कि पवन सिंह को लेकर के तरह तरह की नैरेटिव मार्केट में शेयर किया जाता है। पवन सिंह के जो है कैरेक्टर के बारे में कभी कभी ये हवा उड़ जाता है, कभी वो हवा उड़ जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? पवन सिंह के बारे में विवादों में हमेशा रखने की कोशिश होती है लोगों के द्वारा। देखिए एक्चुअली इसके पीछे रीज़न है, आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यूट्यूब पे कंटेंट कुछ भी रहे, टैगिंग में और जो टैग होता है उसमें पवन सिंह का नाम होता है। क्योंकि एक परसेप्शन है और फैक्ट्स भी है ये कि कैसे भी पवन सिंह का नाम ले ले तो व्यू ज़्यादा जाएगा। तो मेरे मीडिया वाले जितने हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई, उन सबों से मेरा निवेदन है कि आप कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं करते हैं कि कृपया उसको वेरीफाई करें कि कितनी सच्चाई है, तो सच्चा। फिर किसी पे ब्लेम करें, क्योंकि पर्सनली मैं भी ये सब चक्कर में नहीं पड़ता इंटरव्यू देने का और कहने के लिए। क्योंकि अगर मैं अपना तारीफ करूं, मैंने ये करा दिया वो करा दिया, तो कहने से नहीं होता है, काम बोलता है, काम बोलेगा और आपको दिखेगा, क्वालिटी दिखेगी क्या होगा। जैसे मैंने भी देखा कि बहुत सारे हमारे जो भाई हैं अलग अलग नामों से पेज चलाते हैं, यूट्यूब बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, बट कंटेंट मैंने अभी सर्च रिसर्च किया तो कंटेंट बनाने में एक नया परसेप्शन है कि पैसा दो और आपके फेवर में बोलेंगे, नहीं दोगे तो फेवर में नहीं बोलेंगे। तो इस पे दो चीज़ें होती हैं, एक उनके चैनल का अभी प्रेजेंट में तो व्यू आएगा, फिर बाद में वो लोगों को पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं, डिग्निटी खत्म होगी, डिग्निटी खत्म होगी। तो अपना विश्वास बनाइए, अच्छे से फेयरली काम कीजिए, वो अच्छा है। क्योंकि जब आपके चैनल को ग्रोथ चाहिए, अगर अच्छे से काम करेंगे तो ग्रोथ ऐसे ही होगा। और आपने भी देखा होगा अभी फिलहाल के कुछ दिनों में मैनेजमेंट वो अच्छा था, ये अच्छा था, वो अच्छा था, तो इसका मेजरमेंट जो था, किसी भी काम का मेजरमेंट आपके कुछ टाइम के परफॉर्मेंस पे होता है, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, हम किधर मूव किए, हमारी क्वालिटी वो देखें। ऐसा बहुत सारे मेरे पास भी आउटपुट है, कुछ लोग एक प्रॉपर प्रोपोगेंडा के तहत पैसे दे के लोगों से कुछ कुछ बुलवाया जा रहा है, उनका नाम भी मैं रिवील करूँगा, बताऊँगा कौन कौन लोग हैं, समय आने पर बताऊँगा। और जो भाई ये सब कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कृपया न करें, नहीं तो हम लोग अगर विवश होंगे तो उन पे भी कानूनी कार्रवाई होगी। एक चीज़, कभी जो है पवन सिंह के और खेसारी यादव के दोनों के रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन अक्सर जो है दोनों के बीच में विवाद की बात आती है, इसमें कितना सच्चाई है? क्योंकि आपसे ज़्यादा पवन सिंह को कौन बेहतर समझे जी? देखिए रिश्ते सबसे हमारे अच्छे हैं और जो विवाद है पर्सनली है ही नहीं। और जहाँ तक मेरा ये परसेप्शन है, मैं सोचता हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी आप हैं, हमें कोई भी आदमी हो, उसके पर्सनल रिलेशन के बारे में अगर थर्ड पार्टी कोई भी बोलता है तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी हाल में जो है वो कहना नहीं चाहिए मुझे, हाल के दिनों में, लेकिन दोनों का बहुत ही बेहतर संबंध है, पत्नी है ज्योति भाभी, और उनको लेकर कहा गया था, जबकि ज्योति जी अभी काराकाट में कई जगहों पर दौरा किए हैं, उनके रिलेशन के बारे में कहा गया कि दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहा। फिर इसमें ये तो अफवाह है, देखिए ठीक है या नहीं है ये हम आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये दोनों का चीज़ मैटर है। और वो दोनों क्या डिसीज़न लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, क्या सच्चाई है, क्या झूठा है, लोगों को पेशेंस रखना चाहिए कि समय के साथ सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। और ऐसे र्यूमर उठा के आप किसी के इज्जत उछाल के, किसी पे कुछ लांछन लगा के अपना व्यू बना रहे हैं तो ये गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। ये कोई मतलब विरोधियों की चाल तो नहीं है कि ये बदनाम किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ लोग हैं जो अपने ऑफिस में बुलाते हैं, लोगों को पैसा दिलाते हैं और लोगों को फ़ोन करके कहा जाता है कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाना है, मतलब उनके परसेप्शन को ख़राब करना। परसेप्शन मेरे पास एविडेंस भी है उसका कि जो लोग पीछे लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास न्यूज़ और फीडबैक नहीं है, बट अगर हम भी वही काम करेंगे तो हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर रह जाए, फ़र्क होना चाहिए। मुझे अपने से नहीं कहना है आके कि मैंने ये किया मैंने वो किया। पवन सिंह हिंदी फिल्मों के बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं, साड़ी बुलुकिया हिट्स हुआ या छठ के बहुत सारे हिट्स गाने दिए हैं जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। शारदा सिन्हा के बाद अगर पवन सिंह ही हैं ऐसे जो आज तक जितने भी गाने गाए छठ को लेकर के बहुत हिट्स हुए हैं, बहुत मिलियन में गए हैं, तो क्या इस बार भी कुछ खास आने वाला है? बिल्कुल आएगा खास, क्योंकि हर साल एक नया करने की कोशिश होती है, लेकिन छठ एक ऐसा चीज़ है जो हमारा पारंपरिक चीज़ है, ट्रेडिशनल,
वो गाना ही लोग पसंद करते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हमारा जमीन से जो चीज़ें पारंपरिक चल रही है उसी पे बेस पे हम लोग गाना बनाए हैं, वो रिलीज़ भी होगा। लेकिन जैसे आपने बोला कि पवन सिंह बॉलीवुड में गए, अच्छा किए, तो जब काम की प्रशंसा दूसरा करे, सामने वाले से करे, तो होता है कि काम हमारा सही डायरेक्शन में है, नहीं कि हम ऑफिस में चार लोगों को बुला के इंटरव्यू देके और मैं बोले कि रेट बढ़ा दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो वो चीज़ हमारे समझ से गलत है, हम कभी नहीं देते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये ऐसा सोच है कि जब लोगों से बात आए कि आपने अच्छा किया है तो मैं उसी पर भरोसा करता हूँ। अभी तो पता चल रहा है इसमें कितनी सच्चाई है कि पवन सिंह जो हैं पावर स्टार जो हैं, उनसे कई हिंदी फिल्मों के बड़े बड़े डायरेक्टर्स जिनके साथ सलमान खान काम किए, जिसके साथ शाहरुख काम किए, जिसके साथ अक्षय कुमार काम किए, वैसे वैसे जो है डायरेक्टर जो हैं पावर स्टार से संपर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि आपने गाना सुना, गाने में फीचरिंग देखा, 25 में अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी जो कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हमारा जो ग्रोथ है वो सट दिखेगा कि हम कहाँ से बिहार परचम लहराएगा। बिल्कुल लहराएगा, और खुद लोगों को लगेगा कि लेवल हमारा कितना जल्दी स्लाइटली इंक्रीज किया, हम कितने जल्दी 2-3 डायरेक्शन में हमने मूव किया, भोजपुरी के अलावा 2-3 लैंग्वेज में हम जा रहे हैं और अच्छे परफॉर्मेंस पे जाएंगे, अच्छे लेवल पे जाएंगे। जो वर्ल्ड वाइड जो हमारे एक्टर हैं इनको पूरा वर्ल्ड वाइड में देखा जाता है, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन के बाद फाइनल स्टेज पे। आखिरी एक सवाल, पवन सिंह को क्या आपको लगता है कि पवन सिंह को अब तक तो कोई टक्कर नहीं दिया, लेकिन आपको लगता है कि कोई टक्कर दे पाएगा भविष्य में? देखिए, टक्कर की बात हम नहीं करेंगे, हमारी पूरी टीम, स्पेशली मैं अपने को नहीं कर रहा, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं हम सबकी यही कोशिश होती है कि हम लोग जो भी काम करें लोगों को अच्छा लगे, कुछ नया हो और मतलब हमारी भोजपुरी आगे जाए, बस यही है। टक्कर में हम किसी को नहीं लेते हैं, हमको टक्कर करना भी नहीं है, हमको अपनी चीज़ों को अच्छा और बेहतर करना है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव इंटरव्यू। तो जी, आप लोगों ने वीडियो देखी, आपने इंटरव्यू देखा, बहुत पॉजिटिवली इन्होंने हर बात का जवाब दिया, और इनका साफ साफ ये मतलब था कि हम किसी को इंस्टिगेट नहीं करते हैं कुछ भी बोलने के लिए, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, कोई लड़ाई करने के लिए, पवन सिंह ऐसा कुछ नहीं करते हैं। उनका जो ज्योति सिंह के साथ मैटर वो पर्सनल है, उसके ऊपर कोई अभी कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ प्रोपोगेंडा लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं वो खुद ब खुद मतलब पैसा दे दे के और लोगों से बुलवा रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो इट मीन्स कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो बहुत सारी अफवाह भी होती है, ज़रूरी नहीं होती कि वो सारी चीज़ें सही हों। तो हमें किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट भी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा जज भी नहीं करना चाहिए। रही बात खेसारी लाल यादव की, तो उन्होंने ये भी स्वीकारा है कि पवन भैया के सबके साथ अच्छे रिलेशन है, लेकिन वही है ना कि कुछ अफवाहें फैल जाती है जिसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और अभी उन्होंने कहा कि छठ गीत पर हम कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी ज़मीन से जुड़ी चीज़ें हम वही आप लोगों के लिए लेके आते हैं, और छठ गीत बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं। तो आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।